मैं आपको बताने वाला हूँ आज आप अपने डायल पैड में कैसे अपने डायल पैड में फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं। जी हाँ गाइस, आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने डायल पैड में फ़ोटो आराम से लगा सकते हो। तो गाइस, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। वैसे आप वहाँ से बिना देखे वीडियो को आप उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पाओगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो करते हैं शुरू, वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना। चलो गाइस, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एप्लीकेशन कौन सी है और उसकी लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो गाइस, अब दिखाते हैं आपको कैसे आपको अपने डायल पैड में कैसे फ़ोटो लगानी। गाइस, आपको सबसे सिंपली यहाँ पर आना है अपने होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर आपको एक कॉल फोन वाला दिख रहा होगा। तो गाइस, इसमें मैंने अब ऑलरेडी इमेज सेट कर रखी है, वो कैसे की है आपको बताने वाला हूँ। देखो गाइस, अब मेरे डायल पैड में आ रहा है ना इमेज, ऐसे ही आपके फ़ोन में भी आ जाएगा। तो वो कैसे आएगा गाइस, आपको पहले इस तरीके की सेटिंग नहीं दिखने को मिलेगी। आपको सबसे पहले इंटरफेस इसका जब डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे तो ऐसा दिखने वाला है जैसा अब दिखाने वाला हूँ मैं। तो गाइस, ये थोड़ा लोडिंग लेगा। तो लोडिंग लेने के बाद ऐड भी आता है थोड़ा इसमें एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि इसमें आ चुका है। अब फिर 4 सेकेंड तक इसका वेट करना पड़ेगा। तो गाइस, इसको हमें सिंपली यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देने वाला है। गाइस, यहाँ पे डायलर, कॉलर, स्वाइप, फ्लैश। आपको डायल में भी फोटो लगा सकते हो, जैसे कॉल आती है उसमें भी लगा सकते हो, स्वाइप में भी कर सकते हो, फ्लैश भी यूज़ कर सकते हो। सेटिंग्स भी है कुछ की। आपको सिंपली डायल पर क्लिक करना है। डायल पर यहाँ पे देखो नीचे ड्राइंग जैसा ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने का बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करने है, यहाँ पर पिक इमेज करना है। और पिक इमेज जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ही पिक करके इमेज ये वाली, तो आप भी कोई सी भी इमेज अपनी पिक कर लेना और वो लगा सेट कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ तो आपकी डायल पैड में हो गया, ठीक है गाइस। अब जैसे यहाँ पे कॉलर में लगाना है, तो गाइस मैंने ये वाला इफेक्ट लगाया हुआ अपने कॉलर ट्यून में। कॉलर में वैसे आपको यहाँ पर भी सिंपली बैकग्राउंड में जाना और पिक इमेज पर जाके आपको पिक इमेज कर लेनी है कोई। जैसे कि पिक इमेज पे हमने क्लिक किया, जैसे हमारी ये पिक है, आपने पिक पहले चॉइस करके, मैंने भी करके, पर मैंने लगाए नहीं रखी, इसको सिंपली अप्लाई कर देना। तो ऐसे आपकी ये पिक लग जाएगी। और गाइस, आपको देखो, आपको मैं एक बात और बता दूं, इसमें आपको सिंपली एक बहुत बड़ा इसका फंडा है। जैसे कि आपको कुछ इंटरफेस वैसा दिखा था, अब आपको इसे डायल पैड में कैसे यूज़ करना है। क्योंकि गाइस, अब आप यहाँ से वैसे तो कर सकते हो, तो वैसे डायल पैड में नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए मैं आपको सिंपली फंडा बताने वाला हूँ। अरे यार, ये एड्स क्यों नहीं हट रहा? हट चुका है एड्स हमारा। तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या क्लिक करना है, हमें यहाँ पे देखो, अब हमारा डायल हो गया। तो हमें देखो सिंपली, अगर गाइस मैं आपको दिखाऊं, इसे हम दोबारा खोलते हैं तो हमारी कुछ इस तरीके से सेटिंग आएगी। तो इसे हमें सेट कैसे करना है, आपको फिक्स सेलेक्ट कर ली, अब आपको सिंपली सेटिंग पर क्लिक कर देना। जैसे कि हमने सेटिंग पर क्लिक किया, तो आपको बैक जाना है। अब बैक जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको बैक बटन दबाना है। बैक बटन दबाकर अरे यार, फिर से ऐड आ गया। थोड़ा सा इसमें एडवर्टाइज मिलेगा, लेकिन आपको शुरू शुरू में मिलेगा, बट उसके बाद नहीं मिलने वाला। आपको यहाँ से डू यू एक्साइट ओके कर देना है। आपको फिर कॉल फोन खोलना है। कॉल फोन खोलने बाद आपका ये डायल पैड सेट हो जाएगा, देखो यहाँ से। और आपको फिर से सेटिंग को एक सेट करनी है, तो आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके आप सेटिंग में जाके सेट कर सकते हो। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मुझे ये भी बताया, आज इस चीज़ पर पहले भी वीडियो बन चुकी है, बट मैं तुम्हारे लिए फिर से न्यू वीडियो लेके आया हूँ। कुछ लोगों को बता था, कुछ को नहीं, उसके लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो का एंड तक देखने के लिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।